हाँ स्टूडेंट, आज आपकी विषय आपका समाजशास्त्र कक्षा आपकी बीए सेकेंड ईयर और प्रश्न पत्र आपका प्रथम है। कक्षा अध्यापक आपके सौरभ शुक्ला, ठीक है। पिछली क्लास में हमने निर्जातीयता के विषय में एथनिकसिटी क्या होती है उसके विषय में पढ़ा, ठीक है। प्रजाति के विषय में पढ़ा, बेसिस क्या होती है, ठीक। और इसी चैप्टर में आपका अगला टॉपिक है जो प्रकरण है, मैंने लिखा क्षेत्रीय समस्याएं, ठीक है, या क्षेत्रवाद क्या होता है, जो रीजनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। धार्मिक होती हैं जो, और जो क्षेत्र के आधार पे, फील्ड के आधार पे धार्मिक भी देखेंगे। तो क्षेत्रवाद के विषय में कि जो सीमाओं, जैसे भारत है तो भारत कई राज्यों में बंटा हुआ है, ठीक है, और भौगोलिक रूप से सीमाएं बनाई हैं कि उत्तर प्रदेश पूरब में इस सीमा तक, पश्चिम में सीमा तक, उत्तर में सीमा तक, दक्षिण में इस सीमा तक, इतना क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। इसके पड़ोसी राज्य ये है, इसका पड़ोसी राज्य ये है, समस्त इतने राज्य हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी राज्यों में विविधताएं होती हैं। सांस्कृतिक रूप में कैसे, खान पान, रहन पहन, रहन सहन, वेशभूषा, इस आधार पर भी। तो इस आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मानना, ठीक है, और दूसरे को संकीर्ण मानना, संकीर्ण मानसिकता जो होती है, इस तरह की टेंडेंसी होती है जिसे मानसिकता कहते हैं, वो क्षेत्रवाद के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्षेत्रवाद एक छोटी ग्राम से लेकर पूरे राष्ट्र तक होता है, ठीक है। गाँवों में क्षेत्रवाद होता है, ठीक है, कि हम पड़ोसी गाँव से अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं या उनसे संघर्षरत रहते हैं। उसी के बाद कस्बों में, फिर शहरों में क्षेत्रवाद चलता है कि ठीक है, जैसे कानपुर शहर, लखनऊ शहर। उसके बाद प्रादेशिक स्तर पर क्षेत्रवाद, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबलाइजेशन स्तर। इस तरह से अब क्षेत्रवाद आपको हर स्तर पर, हर क्रम में देखने को मिलता है। और सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक संबंधों के रूप में, अंतःक्रियाओं के रूप में जो जटिलताएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो क्षेत्रवाद के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इसी में जैसे कि कहा जाए, भारत में जो क्षेत्रीय असंगति है, विसंगतियां हैं, उसके आधार पर क्षेत्रवाद जो है, अथवा प्रादेशिकता है जो स्टेट वाइज है, ठीक है। प्रादेशिकता आपने देखा होगा क्षेत्रवाद में, जैसे प्रादेशिकता में हमेशा नदियों के जल के विषय में विवाद चलता रहता है राज्यों के बीच में, है, राष्ट्रों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदी, क्योंकि एक देश से कई देशों तक जाती है, यात्रा करती, तो उसमें विवाद चलता रहता है जल अधिग्रहण के रूप में, ठीक है। इस तरह से आप कई तरह के विवाद, क्षेत्रीय विवाद और राष्ट्रीय स्तर पर विवाद देखते हैं। तो भारत में जो क्षेत्रवाद है या प्रादेशिक समस्या को जो रूप में जो उभर कर सामने आई है, उसमें क्षेत्रीय संघट जो है, जो क्षेत्रीय विसंगतियां है, वो भारत के राष्ट्र निर्माण में एक अवरोधक के रूप में है, बाधा के रूप में है, राष्ट्र की जो प्रगति है उसमें बाधा का कार्य करती हैं, जो क्षेत्रवाद की समस्याएं होती हैं, ठीक है, उससे प्रगति नहीं हो पाती। जैसे मान लो आप देखते हैं अपने मोहल्ले में ही देखते हैं, तो सड़क विवाद हो जाता है अगर, तो जैसे नाली को लेकर या किसी भी क्रिया को लेकर, तो वो स्थिति वैसे ही यथावत कोर्ट के द्वारा कर दी जाती है, उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उससे प्रगति रुक जाती है। तो वही बात यहाँ पे है क्षेत्रवाद के रूप में, ठीक है। अगर क्षेत्रीय भावना में देखें तो क्षेत्रवाद क्या है, तो इसमें क्षेत्रवाद के रूप में, अगर किताबी रूप में, अगर आप पुस्तकी ज्ञान के रूप में देखें, भाषा के रूप में, तो क्षेत्रवाद का इसका जो स्वरूप है, जो अपने क्षेत्र या राज्य के प्रति, जो अपने क्षेत्र या राज्य के प्रति निष्ठा की संकीर्ण भावना, कि हम इसके प्रति, वो जात के रूप में होती है, क्षेत्र के रूप में होती है, संस्कृत के रूप में, सभी के रूप में क्षेत्रवाद आपको दिखेगी, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो लोग अपने प्रति उपेक्षा महसूस करते हैं, जो कि उपेक्षित हैं हम, ठीक है, जैसे यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग उपेक्षित मानते हैं, वो अपने आप को उपेक्षित समझते हैं बहुसंख्यक वर्ग द्वारा, ठीक है, कि हमें हर चीज ला दी जाती है, थोपी जाती है, हमें स्वतंत्रता नहीं है, जो टॉलरेंस की बात आती है, ठीक है, तो ये सब चीजें जो, तो सहिष्णुता, ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंस की बात जो आती है, वो क्षेत्रवाद के अंतर्गत आती है। तो क्षेत्रवाद की अगर परिभाषा देना जाए तो उसको निर्धारित करना, क्योंकि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रवाद है, मैंने बताया सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है, धार्मिक क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रवाद देखने को मिलता है। तो इसकी परिभाषा अगर कहें तो बड़ा देना ही बड़ा जटिल कार्य रहेगा, क्योंकि प्रदेश को निर्धारित करने के लिए कोई एक सामान्य आधार नहीं होता है, और साथ ही कई आधार जो है आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि जिससे
समस्या और भी जटिल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अगर क्षेत्रवाद के बारे में हम दो दृष्टिकोण हमारे सामने सम्मुख आते हैं क्षेत्रवाद को लेकर, क्या कि पहला अपने प्रदेश के प्रति भक्ति वो देश में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता का ही परिणाम है। अपने देश के प्रति जो भक्ति है, लोग क्षेत्र निष्ठा दिखाते हैं, जैसे हिंदुत्व का नारा या मुस्लिम का नारा किसी प्रकार का, तो राष्ट्रीयता की ओर बढ़ती है, राष्ट्रीयता की ओर। और अगर जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से जो विकास के लिए हैं वही विशेष अधिकारों की मांग करते हैं आर्थिक रूप से, कि हमें भी पैकेज प्राप्त होना चाहिए। लोग हर स्टेट अपना डेवलपमेंट के लिए आप देखते हैं जब बजट आता है तो उसमें मांग की जाती है कि हमें कम दिया गया बजट है। सांस्कृतिक क्षेत्र से अपनी भाषाई आधार पे अपने राज्य को पृथक करने की मांग होती है। अभी आप लेटेस्ट में पिछले उसमें कुछ वर्षों में तेलंगाना राज्य हुआ था, तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन, तो ये सांस्कृतिक ये देखने को हमें जो मिलता है वो यहाँ पर। और जो पहले पूरे देश में जो मांग हुई थी वो अगर तक दूसरे दृष्टिकोण से, पहला दृष्टिकोण ये आपने देखा, अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें तो इसके बारे में जो एक अन्य दृष्टिकोण है वो क्षेत्रीय भाषाएं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो भी एक जो है वो एकता यूनाइट होने में रुकावट का कार्य करती है। वो अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं, वो अपनी भाषा को श्रेष्ठ मानते हैं, वो कहते हैं कि हिंदी से राष्ट्र चलेगा, वो कहते हैं तेलुगु से राष्ट्र चलेगा, मराठी से राष्ट्र चलेगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं और क्षेत्रीय समस्याओं के रूप में राष्ट्र की प्रगति के रूप में अवरोधक का कार्य करती हैं, ठीक है। और अगर इसी प्रकार से अगर हम देखें क्षेत्रीय भावना से ग्रसित व्यक्ति केवल अपने प्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है और पड़ोसी प्रदेशों अथवा पूरे देश के उद्देश्यों को सामने वो नहीं रखता है, सिर्फ अपनी समस्या को समाधान करना चाहता है, दूसरे सभी लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में नहीं रखता है, सभी लोगों की समस्याओं से उसको कोई लेना देना नहीं, अपनी समस्या का सिर्फ समाधान वो चाहता है, ठीक है। अगर इसी में भारत देश में देखें कि भारत सरकार द्वारा जो प्रमुख उद्देश्य है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, प्रजाति है, अनेकताएं जो संघर्ष के रूप में होते हुए जो एकता की भावना का विकास करना है, कि जो सांस्कृतिक विडंबनाएं हैं, जो भिन्नताएं हैं उनको खत्म करते हुए, जो प्रजाति भिन्नताएं उनको खत्म करते हुए अगर उनको यूनाइट करने की बात आ जाए, एकत्र करने की बात आ जाए, उसको साथ में लेकर विकास करने की बात आए, तो आर्थिक असमानताएं जो है, इकोनॉमिकल जो इनबैलेंस है, ठीक है, उसकी बात अगर करें तो आर्थिक असमानताओं को जब हम राजनीतिक उद्देश्य से, जब जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है उनको पॉलिटिकल प्रॉब्लम से, राजनीतिक उद्देश्य एम से शोषित किया जाता है तो क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसमें राजनीति की जाने लगती है। जो समस्या है उसको समस्या का समाधान न करके उस पर उसको मुद्दा जैसे बनाया जाता है, किसी चीज को इशू दिया जाता है, वही यहाँ पे जो क्षेत्रीय संगठन है वो जन्म लेने लगते हैं। वो अपनी, जैसे आप देखते हैं कि भारत में ही कई देशों में, कई क्षेत्रों में, जैसे भारत के आप झारखंड या आप माओवादी जो लोग हैं उधर की तरफ आप देखते हैं, पूर्व की तरफ, तो वो अपनी बात करते हैं, अपनी वो मतलब सरकार की सत्ता को नहीं स्वीकार करती हैं, ठीक है, अपना ही स्वयं की सरकार मानते हैं, अपनी अथॉरिटी चलाते हैं, अपनी ही तो अपना कानून चलाना, अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को अपने हिसाब से पूर्ण करना, ठीक है, वो यहाँ पे उत्पन्न होती है इस तरह की समस्याओं को, जब आर्थिक समानताओं को, जब राजनीतिक उद्देश्य से उनके लक्ष्यों को पूर्त नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अगर इनकी, अगर हम क्षेत्रवाद की यहाँ पे मैंने हेडिंग्स लिखी है, तो पहले क्षेत्रवाद की, तो क्षेत्रवाद की समस्याओं के जो उद्देश्य है, जो एम है, वो क्या है, अगर पॉइंट वाइज हम देखें तो पहला है सैद्धांतिक रूप से जगत क्षेत्रवाद के जो उद्देश्य है वो क्या है, जहां पर प्रशासन एवं सत्ता का केंद्रीकरण होता है, जब शासन एवं सत्ता का केंद्रीकरण होता है वहां प्रदेशों के आधार पर प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता है, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं, तो वो विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, पोलराइज करना। और दूसरा है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा, जो एक विशेष स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है उसको, और राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध सामाजिक सांस्कृतिक के प्रति आंदोलन करना, सामाजिक सांस्कृतिक जो कल्चर और सोशियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं वो इन्हीं के कारण होते हैं, जो समस्याएं होती हैं सांस्कृतिक, और तो उनके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको लेकर भी आगे क्षेत्रवाद की ओर बढ़ते हैं। अगर कॉन्सेप्ट में इसी आगे देखें कि राष्ट्र के अगर संघीय संरचना के अंतर्गत जो एक संघीय ढांचा दिया गया है उसके अंतर्गत उप संस्कृत, जो सब कल्चर की अवधारणा है, कल्चर के अंदर उप संस्कृत, जो आप क्षेत्रीय भाषा की बात यहाँ पे आ जाती है, तो उप संस्कृत क्षेत्रों के लिए अधिक
स्वायत्तता की मांग को लेकर अपनी ऑटोनोमस की अपने हमें अपनी भाषा के स्वायत्तता हो, हमें कोई अगर भाषा थोपी न जाए, ठीक है, जितनी भी भाषाएं हैं, तो वहां पे लेकर राजनीति के प्रति आंदोलन शुरू हो जाती है, राजनीतिक आंदोलन की वो मतलब हमारी पार्टी में आप आ जाइए तो हम आपको आपकी मांगे पूरी करा देंगे, ये मुद्दे आ जाते हैं क्षेत्रवाद के रूप में। अगर दूसरी तरफ अगर और पॉइंट देखें कि अगर प्रत्यक्षता के रूप में अलग करके प्रत्यक्षता की नीति ताकि क्षेत्रीय समस्याओं जो किसी विशेष उप संस्कृति क्षेत्र में रहता हो वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है उसके द्वारा, ठीक है। अगर इसी में देखें क्षेत्रीय सांस्कृतिकियां जो पुनर्गठन है, जो उनका जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसका जैसे कि जो पूर्व में विरासत संस्कृति है उसको रिफॉर्म करना, ठीक है, पुनः जागृत करना, पुनर्जागरण, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे कार्य चलता है कि नहीं हमारे पूर्वज इस तरह की संस्कृति हमारी उसके आधार पर हम अपना क्रियान्वयन करना चाहते हैं, अपने समाज को ले जाना चाहते हैं, अपने समाज के प्रति जो सारी चीजें घटित होती हैं सिर्फ अपने समाज के प्रति सोचते हैं, ठीक, अपने समुदाय के प्रति। क्षेत्रवाद जो होता है अपनी कम्युनिटी बेस आ जाता है, उसमें कल्चरल आ जाएगा सांस्कृतिक रूप से, ठीक है, मुख्यतः सांस्कृतिक रूप से यहाँ पे भाषाई आधार पे अपने राज्यों की अलग मांग करना, ये जो सारी चीजें आ जाती हैं वो क्षेत्रवाद की समस्याएं लेके आती हैं। अगर इसी में हम क्षेत्रवाद की जो विकास जो डेवलप इन्हीं समस्याओं के कारण जो क्षेत्रवाद जो डेवलपमेंट कर रहा है भारत में विकास के कारण है उसको अगर देखें तो क्षेत्रवाद जैसी जो समस्याएं जो जन्म इनका जन्म और विकास किसी एक कारण से नहीं होता है कि क्षेत्रवाद किसी एक कारण से हो, इसमें कारण जैसे क्षेत्रीय विभिन्नताएं जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनके आधार पर होगा, भाषाई लगाव के आधार पर होगा, क्षेत्रीय विभिन्न क्षेत्रों के असंतुलित आर्थिक विकास के कारण है कि किसी को आपने बहुत अच्छा डेवलपमेंट दे दिया और किसी के पर सोच ही नहीं रहे हैं, आप पूर्व में सड़कें पूर्व राज्य जो हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो उनके विकास के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के विषय में सही सोच रहे हैं, आप मैदानी क्षेत्र के विषय में ही सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी असमानताएं आती हैं, क्षेत्रवाद पनपता है, ठीक है, और सामाजिक अन्याय एवं पिछड़ापन जो सोशल रूप से जो उनको न्याय नहीं मिल सका जैसे जातियों के आधार पर, जैसे कुछ जातियां जैसे अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जो एससी वर्ग है पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, उसको जो सवर्ण वर्ग के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लाभ है उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, क्रियान्वयन नहीं हो पाता, तो उसकी मांगों को लेकर आगे लोग अपना क्षेत्रवाद के रूप में वो समस्याएं उभर कर सामने आती हैं, ठीक है। और धार्मिक संकीर्णता जो अपने धर्म के प्रति संकीर्ण है, अपनी भावनाओं से, तो वहां भी क्षेत्रवाद पनपेगा आपका, ठीक है, और अपना खुद का निहित स्वार्थ होता है, अपने ही स्वार्थ की पूर्ति करना, किसी अन्य की स्वार्थ अन्य के उद्देश्यों को मत सोचना, यहाँ भी क्षेत्रवाद पनपता है। अगर पहला पॉइंट मैंने क्षेत्रीय विभिन्नता की बात जैसे आपको बोली थी तो उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता में अगर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जो विभिन्न क्षेत्र उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं का उत्पाद के रूप में प्रोडक्ट के रूप में राज्य का पुनर्गठन आयोग जो गठन किया गया, राज्य का पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया उसको भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद में भी अनेक क्षेत्रों में अलगाव एवं मनोभाव देखा गया, अलगाव की बात देखी गई कि भाषाई आधार पर राज्यों का जब गठन भी कर दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया उसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के बाद भी लोगों में क्षेत्रवाद देखा गया समाज में समुदायों में, ठीक है, वो भावना देखी गई जैसे गुजरात में सौराष्ट्र बिहार में झारखंड पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड इन सबकी मांग भी की गई, ठीक है, इसी मनोभाव के कारण है। और अगर भाषाई लगाव के आधार पर हमने जो पॉइंट दिया था उसके आधार पर देखें तो यह क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण है लैंग्वेज, ठीक है, भाषा। तो भाषाई आधार पर सन 1940 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन आयोग पर विचार करते हुए हमने इस पे नियुक्ति की गई इस राज्य पुनर्गठन आयोग की और उसको भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन पर विचार किया गया और परंतु राजनीतिज्ञों के जो राजनीतिक पॉलिटिशियन थे उनके निहित स्वार्थों के आधार पर इसको आगे नहीं बढ़ाया गया, इसको आगे नहीं ले गए, ठीक है, तो इसके कारण भी यहाँ पे असंतोष रहा, ठीक है। और अगर जो कई क्षेत्र हैं और में अगर इकोनॉमिकल बेस पे हम देखें असमानताएं
तो जो राज्यों के अलग अलग भागों में आर्थिक विकास का संतुलन है, जो मैंने बताया मैदानी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र में, उसके आधार पर जैसे आंध्र में तेलंगाना की मांग हो रही थी वर्तमान में, तो वो इकोनॉमिकल बेस से बढ़ना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि विकास में, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले, अगर उत्तराखंड के भी जिले जुड़ जाते तो उत्तर प्रदेश रहते हैं वर्तमान में, अब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उसको और खंड करने की बात चल रही है, लेकिन इसका भी लिखित रूप से कोई क्रियान्वयन नहीं है। तो ये बात भी यहाँ पे आ जाती है। अगर क्षेत्रवाद एवं भारतीय राजनीति की अगर यहाँ पर बात करें, जो क्षेत्रवाद है उसमें जो इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन जो पॉलिटिशियन है या इंडियन पॉलिटिक्स है, तो भारतीय राजनीति है उसके विषय में क्या है यहाँ पे, तो यह एक विवादात्मक प्रश्न है, मतलब इसमें विवाद हमेशा बना रहता है क्षेत्रवाद में, कि क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर धनात्मक प्रभाव पड़ा है या ऋणात्मक, मतलब क्षेत्रवाद की वजह से भारत का विकास हो पा रहा है या क्षेत्रवाद भारत के अवरोधक के रूप में है, इसमें क्या इफेक्ट इम्पैक्ट, ये एक विवाद का प्रश्न है। ठीक है, कुछ लोग उसमें उसका जब समर्थन करते हैं क्षेत्रवाद का, तो उसको कहेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है, जो उसकी समझ रहे हैं कि देश का प्रगति यहाँ पे रुक रही है, तो उसको वो ऋणात्मक रूप में लेंगे, मतलब उसको निगेटिव वे में लेंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो रसीउद्दीन खान का मानना है, अगर यहाँ के स्टेटमेंट अगर देखें, तो रसीउद्दीन खान कहते हैं कि क्षेत्रीय आंदोलनों के कारण भारतीय संघ द्वारा छिन्न भिन्न जो हो गया है भारतीय संघ, वो जोन्स महोदय का अगर कहें तो क्षेत्रीय आंदोलन उपराष्ट्र के विकास में सहायक है। ठीक है, ये कहते हैं जोन्स महोदय के आधार पे क्षेत्रवाद उपराष्ट्र के विकास में, डेवलपमेंट में सहायक है। ठीक है, और जो कालांतर में जो राष्ट्रवाद के विकास में जो सहायता करते रहे, अगर इस दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि भारत में जो क्षेत्रीय आंदोलन जो है वो न्यायिक रूप में जो पृथकवादी नहीं थे, जो अलग से नहीं थे, वो क्षेत्रवाद के लक्ष्य अपने क्षेत्र या अपने समुदाय के लिए आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने के विकास की गति को तेज करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें तो क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, जोन्स महोदय तो कह रहे हैं धनात्मक प्रभाव पड़ता है, जो सब कल्चर की बात करी गई है, और उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रवाद जो है उसका डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे उदय होता है, तो इन्होंने धनात्मक विषय में बात कर दी। ठीक है, रसीउद्दीन खान ने भी इन्होंने धनात्मक विषय में बात कर दी। अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें तो क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, क्या कि इसमें आंदोलनात्मक जो राजनीति को बढ़ावा मिलता है, राजनीतिक अपने निहित स्वार्थों के लिए धर्म भाषा जाति जैसे विघटनकारी तत्वों का सहारा लेके क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, तो इससे राष्ट्र में निगेटिविटी के कारण राष्ट्र की प्रगति में बाधा आती है। अब अगर इसके हम निराकरण की बात करें कि क्षेत्रवाद की समस्या का हल कैसे ढूंढा जा सकता, तो सरकार को विकास कार्यक्रम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके निर्माण और उनके क्रियान्वयन को कुछ इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि उनको संतुलित क्षेत्र में जो बैलेंस चीज होती है, बैलेंस ही तैयार करनी चाहिए संतुलित रूप से, कि जैसे मैंने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र की बात एक उदाहरण लिया था आपको, तो वो यहाँ पे कहा गया कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलने, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सतत विकास की बात करनी चाहिए, कि जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्र में विकास होगा उसी प्रकार से भौगोलिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से सभी क्षेत्रों में विकास होगा, अपना अपना यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी भी प्रकार से पहला पॉइंट निराकरण के लिए यह करना चाहिए कि जो सरकारों को है जो भी विकास कार्यक्रम इस प्रकार से क्रियान्वित करने चाहिए जो सभी के विकास की बात करें, सभी के लिए हो। ठीक है, और जो विशिष्ट जाति समुदाय है, जो स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है, जो कास्ट कम्युनिटी है, उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति और पहचान को सुनिश्चित रखने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, जैसे कि कुछ जनजातियां हैं बहुत ही कम संख्या में बची हैं, उनकी पहचान ही लुप्त विलुप्त प्रजातियां होती जा रही हैं, जिस प्रकार से हम प्रजातियों में देखते हैं। ठीक है, कि पहले आपको गौरैया बहुत दिखाई देती थी, अब उनकी संख्या विलुप्त के रूप में है। ठीक है, तो उनके संरक्षण की बात की जाती है, उसी प्रकार से जनजातियों के संरक्षण की भी बात यहाँ पे स्पेशल जो कम्युनिटी है उनकी भी बात करनी चाहिए सरकार को, उनके भी उन पर भी ध्यान देना चाहिए, उनके डेवलपमेंट पर भी। तो ये जो बात यहाँ पे कही गई है इसके विषय में, और अगर देखें हम इसी आशय से आगे बढ़ते हैं, तो इसका आशय ये है कि जैसे इस आशय से मौलिक अधिकार जो उनके मौलिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं,
उनमें जो वर्णित है इन्हीं पर ईमानदारी से उनको लागू कर देना चाहिए। जो फंडामेंटल राइट्स उनको न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त हुए हैं, जो संविधान के द्वारा जो उनको अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन अधिकारों से उनको वंचित नहीं रखना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये भी एक सरकार का दृष्टिकोण होना चाहिए निराकरण के रूप में अगर देखें। और देखें कि जहां तक संभव हो सके जो पिछले क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विशेष पैकेज देना चाहिए, विशेष उनको आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में एक साथ जुड़ सकें। जैसे मान लो बहुत सुदूर क्षेत्र है, वहां पे वो जन समुदाय रहता है और उसको कोई सुविधा अगर प्रदान नहीं करेंगे तो कैसे वो जीवन सर्वाइव करते हो, समाज की मुख्य धारा में कैसे जुड़ पाएगा, ना उसको शिक्षा प्राप्त होगी ना ही वो अपना विकास कर सकेगा। तो शिक्षा ही मनुष्य का विकास का प्रथम चरण होता है, तो ये रहता है। और शिक्षा तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसको अवसर और संसाधन प्रदान किए जाएंगे। ये सब बातें जो निराकरण की कही गई है, इस प्रकार से जो क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं उनसे हम उभरा जा सकता है। अगले चरण में अगली क्लास देखेंगे अगला टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।